अस्सलाम वालेकुम बेबीज और बाबाज, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हम बनाने लगे हैं चिकन मलाई बोटी, ठीक है? तो उसके लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन मैंने ले लिया है, और 1 पाव दही लिया है, और 1 पाव फ्रेश क्रीम ली है, और साथ मैंने लिया है 1/2 टीस्पून मैंने गर्म मसाला लिया है, गर्म मसाला ये वाला, ठीक है? और 1 टीस्पून जो है वो मैंने काली मिर्च ली है, और साथ मैंने लिया है कुछ धनिया पीसा हुआ, वो भी 1 टीस्पून है, ठीक है? और 2 टेबलस्पून जो है वो है अदरक लहसुन का पेस्ट, और जो है इसमें जाएगी सबसे पीसी कुटी हुई मिर्च जाएगी 1 टेबलस्पून के बराबर, ठीक है? और साथ है थोड़ा सा उसका अदरक का पाउडर है मेरे पास, और 1 टीस्पून जो है वो मैंने नमक का लिया, और 1 टीस्पून मैंने गरम साबुत जीरा लिया भुना हुआ, ठीक है? तो अब हम जल्दी जल्दी इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे, ठीक है? हमारा अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो हो गया हुआ ब्राउन, और अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन, ठीक है? इसको भी हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। ये देखिए चिकन जो है हमारा रेडी हो गया हुआ है, हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालें, ये देखिए, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर डाल देंगे जो है मिर्चों का पेस्ट, ठीक है? ये हम 1 फुल भर के इसमें चम्मच जो है मिर्चों का डालेंगे, सब्ज़ मिर्चों का, ठीक है? ये हमने डाल दिया इसके अंदर। और क्या करेंगे, नमक, ज़ीरा और जो अदरक का वो था पाउडर वो भी डाल देंगे, और हम क्या करेंगे, ये काली मिर्च और साबुत जो है खुश्क धनिया पीसा हुआ और मसाला पीसा हुआ वो भी डाल देंगे, ठीक है? ये हमने डाला, और इसके साथ ही हम इसके अंदर ये देखिए दही ऐड कर देंगे, दही ऐड कर दिया है हमने, और साथ हम ये देखिए फ्रेश क्रीम है ये हम डाल देंगे, ठीक है? ये डाल के हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है, और ऊपर इसका लेट लगा देना है, ठीक है? इसको कवर कर देंगे, और ये अपने इसी दही और मलाई के अंदर ही पकेगा। और एक और बात आपको बताऊँ, आपने जब दही डालना है तो उसको थोड़ा सा बीट कर लेना है, ठीक है? ऐसे ही ना डालें, वो फुटकी फिर अच्छी नहीं लगती इसके अंदर। ये देखिए अब हो गया, हम इसको ढकना लगा के तो पकने के लिए रख देंगे, ठीक है? जी दोस्तों, ये देखिए तकरीबन हमारी मलाई बोटी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है, और मैंने बिल्कुल इसको उसी तरीके से बनाया है जो कि बहुत इजी हो और आप भी कर लें, ठीक है? बहुत कम वक्त में ये देखिए इतनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका लुक कितना ज़बरदस्त आया है, ठीक है? ये देखिए, जी दोस्तों, ये देखिए गार्निश करने के बाद जो है इसकी ये लोकेशन बनी है, और ये बहुत खूबसूरत और कलरफुल है, ये देखिए, ठीक है? आपने इसको खाना है, एंजॉय करना है, और मुझे दुआ में याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। अपना ढेर सारा रखिए ख्याल, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।